सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक के ऊपर आपको प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, अमित्ये काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स आयाति परमाम गति। भगवान ने कहा है कि अमित्ये काक्षरम ब्रह्म, ओम जो है वह प्रणव का वाचक है, इस समग्र अस्तित्व का वाचक है। ओम तो ओम का उच्चारण करना है, कैसे? मन से, क्योंकि इसके पहले के श्लोक में मैंने बताया था, भगवान ने कहा है कि सभी इंद्रियों को अपने में लीन करना, यानी ना बोलना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो कुछ भी उच्चारण होगा वह मन से ही होगा। वो मानसिक जाप हो सकता है, अजपा जाप हो सकता है। ये दो प्रकार के जाप बचते हैं उस क्षण के लिए, उस अंतिम क्षण के लिए। साधना में भी हम लोग बोलते नहीं, देखते नहीं, सुनते नहीं, इंद्रियों से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखते हुए साधना की जाती है। और उसी तरह से जब हम लोग सोते हैं तो भी यही हाल होता है, और जब मरते हैं तो भी यही हाल होता है। तो इन तीनों समयों में यही हाल होता है, और एक चौथा समय है बेहोशी का, उसमें भी यही हाल होता है, लेकिन उसमें अपना बोध ही नहीं रहता, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। अमित्ये काक्षरम ब्रह्म, तो यह जो अस्तित्व है, यह जो ब्रह्म है, यह ओम स्वरूप है। यह जो ओम है यह ब्रह्म स्वरूप है, दोनों एक दूसरे का स्वरूप है। अमित्ये काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, उसका उच्चारण करो। भगवान ने सदैव उच्चारण के लिए ओम के लिए कहा है, इसीलिए ओम का ही उच्चारण करना चाहिए। कई लोग कई तरह के उच्चारण करते हैं, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण ने जिस उच्चारण का महत्व दिया है, हम लोग को चाहिए कि भगवान की बात को माने और उनके उच्चारण को माने। उन्होंने जो कहा है उच्चारण करने, उसका उच्चारण करें। पूरे वेद में ओम का ही उच्चारण है, पूरे उपनिषद में ओम का ही उच्चारण है, गीता में ओम का ही उच्चारण भगवान ने बताया है। तो जाहिर सी बात है हमें ओम का ही उच्चारण करना चाहिए, इधर उधर के उच्चारणों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ओम पूरे अस्तित्व को प्रतिनिधित्व करता है, पूरे अस्तित्व को बतलाता है। तो हमें ओम पर ही भरोसा करना चाहिए, ओम से ही हमें मुक्ति हो सकती है। अमित्ये काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, लेकिन कहते हैं कि उच्चारण तो उनका कीजिए, लेकिन स्मरण हमारा कीजिए। और स्मरण कैसे होगा, ये पिछले के श्लोकों में, 9वें 10वें श्लोक में मैंने बताया था, इसी अध्याय के भगवान ने बताया था, उसी की मैंने व्याख्या की थी कि कैसे स्मरण होता है, इसलिए उसको मैं यहाँ दोहरा नहीं रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि अमित्ये काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण करते रहो और ओम जपते रहो। जपो ओम, स्मरण करो मेरा। और भगवान के जैसे स्वरूप हैं, किस तरह से वे अनंत हैं, किस तरह से वे अचिंत हैं, इसकी बात हुई थी, कैसे वे अविनाशी हैं, किस तरह से वो अनादि हैं, किस तरह से वे सर्वव्यापी हैं, किस तरह से वे शाश्वत हैं, इसका ही हमें चिंतन करना है। किस तरह से यह अस्तित्व शाश्वत है, ये अस्तित्व अचिंत है, ये अस्तित्व अनंत है, ये अस्तित्व अनादि है, आप ऐसा मान लें। और यह चिंतन ही प्रभु का चिंतन है, स्मरण है।
तो अमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। अमित्येकाक्षरम ओम जो है उसमें अ उ म ये तीन जो ध्वनियां है अ उ म, ओम जो है ये अनादि ध्वनि है और सिर्फ ध्वनि नहीं है बल्कि पूरा अस्तित्व ही है। इसमें अ जो है वो अनंत को बतलाता है, इसमें अ जो वर्ण है वो अनंत को बतलाने के लिए, असीम को बतलाने के लिए जिसकी सीमा नहीं है। और जो उ है वह उसके वर्तमान स्थिति को बतलाने के लिए, उसकी विद्यमानता को, उसकी सर्वव्यापकता को बतलाने के लिए, उसकी पालनकर्ता की स्थिति को बताने के लिए, और मां उसके लीनता को बताने के लिए कि यह लीन भी होता ही रहता है, साथ ही साथ प्रकट होता रहता है और लीन भी होता रहता है। ये दोनों ही क्रियाएं विपरीत होते हुए भी साथ ही साथ होती है और हर वस्तु में होती है, यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है। कोई यह न समझे कि कोई चीज अगर फैल रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि भीतर वो सिकुड़ नहीं रही है, वो साथ ही साथ सिकुड़ रही है। इसीलिए जब हम किसी इलास्टिक को फैलाते हैं तो अंत में वो टूट जाती है, क्योंकि वो भीतर ही भीतर सिकुड़ रही होती है, उसका प्रलय हो रहा होता है। हर चीज का प्रलय साथ ही साथ होता रहता है और सृष्टि भी साथ ही साथ होती है। कभी यह नहीं समझना चाहिए कि सृष्टि एक समय हो गई और प्रलय किसी अन्य समय में होगी, मृत्यु किसी अन्य समय में होगी, ऐसा नहीं है। मृत्यु भी साथ साथ है और जन्म भी साथ साथ है, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। हम हर क्षण मर रहे हैं और हर क्षण जी रहे हैं। हर ये पूरा अस्तित्व जो है हर समय बन रहा है बिगड़ रहा है। बनना और बिगड़ना एक ही घटना के दो पहलू हैं, वे अलग अलग पहलू नहीं है, सिर्फ अलग अलग दृष्टिकोण है। इस बात को अच्छा से समझ लें, सिर्फ दृष्टिकोण है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक पेज ले, उसको हम फाड़ते हैं पेज को, तो फाड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वह जो एक पेज है उसका विध्वंस हो रहा है। अगर हम उसको फाड़ने के एंगल से देखते हैं तो विध्वंस हो रहा है, क्योंकि वह जो एक पेज है वह अब टूट रहा है, फट रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप दूसरे एंगल से देखते हैं, दूसरे कोण से देखते हैं, तो पाते हैं कि यह जो एक पेज जो है वो दो पेज बनते जा रहा है एक ही साथ। तो ये दोनों ही घटनाएं साथ ही साथ होती हैं। कोई भी ऐसी घटना नहीं हो सकती, कोई भी ऐसा विध्वंस नहीं हो सकता जिसमें सृजन न है, और कोई ऐसा सृजन नहीं हो सकता जिसमें विध्वंस नहीं है, साथ ही साथ है वह भी। आपका कौन सा एंगल है देखने का, आपका कौन सा एंगल है अनुभूत करने का, कौन सा कोण है अनुभूत करने का, उसके आधार पर ही आप उसको बताते हैं कि यह बन रहा है या नष्ट हो रहा है। यह आपके नजरिए की बात है, जवानी जन्म रही है कि बचपना मर रहा है, ये हमारा नजरिया है देखने का। हम किसको तवज्जो दे रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं। बचपन को महत्व दे रहे हैं तो कहेंगे बचपना मर रहा है, मरने के अर्थ में देख रहे हैं। जवानी को महत्व देंगे तो कहेंगे जवानी जन्म रही है। उसी तरह से जवानी मर रही है, बुढ़ापा जन्म रहा है, बुढ़ापा मर रहा है और नया जीवन शुरू हो रहा है। साथ ही साथ ये सब साथ ही साथ होते हैं, साथ ही साथ रोग है, साथ ही साथ स्वास्थ्य है, साथ ही साथ प्रेम है, साथ ही साथ घृणा है, ये सब साथ ही साथ है। ये जो पैराडॉक्स है ये पहेली है, एक तरह से अबूझ पहेली। इसमें सब घटना साथ साथ होता है, साथ ही साथ हम हंसते और रोते हैं। रोने की घटना अलग नहीं है, हंसने की घटना अलग नहीं है। हंसते हुए कोरोना छिपा रहता है उसमें, जो आपको नहीं दिख पाता है, वो नजरिया रहेगा तो आपको दिख जाएगा हंसते हुए कोरोना। और उसी तरह से जो रो रहा है उस रोते हुए का हंसना भी एक छिपा हुआ पहलू होता है जो सबको नहीं दिखता है। इसी तरह से जिंदगी में मृत्यु छिपी हुई है जो सबको नहीं दिख रही है, और मृत्यु में जीवन छिपा हुआ है जो सबको नहीं दिख रहा है।
तो वह जो ओम है उसमें पूरा अस्तित्व आ जाता है, अस्तित्व की सारी घटनाएं आ जाती है, अस्तित्व की सारी व्याख्या आ जाती है। इसलिए ओम का ही उच्चारण करना है। उसमें जो हलंत लगता है ओम में, वह हलंत है निराकारता को बतलाने के लिए, अव्यक्त स्थिति को बतलाने के लिए, जो निराकार है जिसको अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं उनको बताने के लिए है। जिसमें कि ये जो अ उ म जो हैं वे उसके अंतर्गत निहित हैं। तो इसी का हमें उच्चारण करना है। और उच्चारण कैसे किया जाता है, वाचिक उच्चारण जो मैंने अभी वीडियो बनाया था उसमें आपने देख लिया वाचिक कैसे करते हैं। अ उ म की मात्रा बराबर बराबर रहती है और हलंत सबसे ज्यादा रहता है, उसमें चुप हो जाता है। इन तीनों की मात्रा के बराबर अकेला हलंत होता है, उसमें लीन हो जाते हैं, उसके बाद पुनः उच्चारण करते हैं। और जो भी उच्चारण होगा 16 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, 16 सेकंड से ज्यादा ही होना चाहिए। और पूरी सांस के साथ करें, पूरे प्राण शक्ति दिल की धड़कन के साथ करें, पूरे विचारों के साथ करें। तो इस तरीके से उसका उच्चारण करें, मानसिक जाप, मन ही मन जाप करें, मन ही मन ओम बोले, लंबा बोले। तो प्राण शक्ति जितना लंबा बोलेंगे प्राण शक्ति उतनी उसमें खींचती चली जाएगी। तो इसलिए जो इस श्लोक में आगे है कि प्राणमास्तितो, इसके पहले जो था योग धारणा, तो प्राण को स्थित कर देंगे। कैसे, हम जब हम उच्चारण करेंगे तो प्राण जो है खींचता चला जाएगा। तो कह रहे हैं कि इस तरह से बोल उच्चारण करते हुए, जपते हुए, और जप को जो है सबसे श्रेष्ठ जो है यज्ञ माना गया है। जितने भी तरह के यज्ञ होते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ है जप यज्ञ। भगवान ने कहा है यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। तो जितने भी यज्ञ हैं, जितनी भी तरह की आराधना है उसमें जप सबसे महत्वपूर्ण है। और जप किसका करना है, भगवान ने कहा अमित एकाक्षर, ओम का करना है। वैसे ओम के साथ हम लोग अन्य देवी देवताओं के, नारायण के, प्रभु के, इन सबके को जोड़ देते हैं। अपनी अपनी धारणा, अपने अपने इष्ट को, जो जिस स्वभाव का, आचरण का, व्यवहार का व्यक्ति है, जिसको जो अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ ओम अवश्य जुड़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय, चाहे ओम वासुदेवाय नमः, चाहे आप ओम कुछ भी कहें, ओम सूर्याय नमः, लेकिन ओम उसमें लगना चाहिए। ओम जब लगेगा तो वह वैदिक मंत्र होगा। ओम यदि किसी मंत्र के साथ नहीं है तो वह वैदिक मंत्र नहीं माना जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ओम को हटा करके अन्य मंत्रों के लोग प्रेरित कराना चाहते हैं, वे सब राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, वे ओम का महत्व ही नहीं जानते। ये तो ठीक ऐसे है, कुछ लोग ऐसे करें नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो, ओम को हटा दो। तो इस तरह की शिक्षा सिर्फ मूर्ख लोग दे सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से है कि इंडिया खत्म हो जाए और दिल्ली रह जाए, तो ऐसा कैसे होगा। इंडिया में ही दिल्ली है तो इंडिया खत्म तो दिल्ली भी खत्म। तो ओम जो है समग्र अस्तित्व का द्योतक है, उसके खत्म हो जाने से, उसको हटा देने से बाकी फिर के कोई चांस नहीं है किसी के अन्य के रहने का। तो भगवान कह रहे हैं अमित एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मा मनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम। इस प्रकार से जो अपने देह का त्याग करता है, और यहां पर देह का सीधा सीधा मतलब है कि अपने देह के बोध का, यानी इस भौतिक अस्तित्व के बोध का, इस संसार के बोध का जो त्याग करता है। देह से सीधा मतलब, यह मरने से ही सीधा मतलब नहीं समझना चाहिए। जब हम नींद में जाते हैं तो भी देह का त्याग हो जाता है, जब हम साधना में लीन होते हैं, ध्यान में जाते हैं तो भी देह का त्याग हो जाता है।
तो उस तरीके से जो देह का त्याग हो जाता है, यानी हमारे भौतिक इंद्रियानुभूति नहीं होती है, सांसारिक इंद्रियानुभूति नहीं होती है, इस तरीके से जब हमारी अवस्था होती है तो वह देह का त्याग कहा जाता है। और ऐसे में क्या होता है, यह प्रयाति त्यजन देहम, तो इस तरीके से जो जाता है, लीन होता है और जीवन के संदर्भ में पूरा देखेंगे तो वो जिसको आप कहते हैं मर जाता है, तो फिर वो मर जाता है। यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति, तो जो व्यक्ति इस तरीके से गुजर जाता है, इस तरीके से अपनी अवस्था को ले जाता है, भौतिक अवस्था से अपने को हटा लेता है, उसको अपने में लीन कर लेता है, वह क्या होता है, परम गति को प्राप्त होता है। तो जो सबसे बड़ी गति है उसको उपलब्ध होता है, वह जन्म मरण से मृत्यु, जन्म और मरण ये जो चक्र है लगातार, इससे वह उपराम हो जाता है। रोग स्वास्थ्य दुख दर्द तमाम तरह के विघ्न, इन सब से वह मुक्त हो जाता है, तमाम तरह के संबंधों से वह मुक्त हो जाता है, तमाम तरह की वासनाओं से वह मुक्त हो जाता है, तमाम तरह की इच्छाओं से वह मुक्त हो जाता है। अब इन सब से मुक्त होकर के बस वह हरि में लीन हो जाता है, समग्र अस्तित्व में लीन हो जाता है। एक वह जनरल ऊर्जा में लीन हो जाता है, और इस तरीके से लीन होता है कि अब उसको किसी अन्य चीज की चाहत नहीं है, तो उसका प्रकटीकरण अमूमन नहीं होता, फिर विक्षोभ होने पर प्रकटीकरण हो सकता है, परंतु सामान्य अवस्था में तो उसका प्रकटीकरण फिर नहीं होता, वह लीन हो जाता है। सयाति परमाम गति, उसी को परम गति कहा जाता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है, उसी को निर्वाण कहा जाता है, उसी को भगवान का कहा जाता है कि परम धाम को प्राप्त हुआ, वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो यही इस श्लोक का अर्थ हुआ, ओम हरि।